जाती है। उधर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने के बाद उनके यमुना कॉलोनी सरकारी आवास को खाली करवाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राज्य संपत्ति विभाग की देखरेख में आर्य के सरकारी आवास को खाली कराया गया है। इस दौरान उनके निजी सामान को वहां से शिफ्ट करवाया जा रहा है। यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री रहते हुए इसी आवास में रह रहे थे, अब भाजपा छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पंकज राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज बताइएगा, यशपाल आर्य का सरकारी आवास अब खाली करवाया जा रहा है। बिल्कुल, आपको देखिए अभी दो दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है और वो भाजपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, उसी वजह से उनको यमुना कॉलोनी में सरकारी आवास R7 दिया गया था, उसमें वो रह रहे थे। उससे पहले जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उस वक्त वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसी आवास में रहते, तकरीबन 10 सालों से वो इसी आवास में रह रहे थे। लेकिन अब क्योंकि भाजपा उन्होंने छोड़ दिया, कांग्रेस में बस चले गए हैं, तो इस लिहाज से अब पूरी तरह से उस आवास को खाली कराया जा रहा है। राज्य संपत्ति विभाग के तमाम अधिकारी वहां काफी देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने वहां सभी जो सामान राज्य संपत्ति विभाग का था उसको देखा है, उसकी देखरेख उनकी देखरेख में उनका जो निजी सामान है उसको शिफ्ट कराया जा रहा है। फिलहाल उनके निजी सामान को यमुना कॉलोनी से डिफेंस कॉलोनी में एक आवास में शिफ्ट कराया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी बात है कि सबसे पहले ही, क्योंकि जब कोई कैबिनेट मंत्री कोई रहता है तो काफी लंबे समय बाद वो आवास छोड़ते हैं, एक एक दो दो महीने हो जाते हैं। कई मंत्री ऐसे हैं जो लंबे समय तक आवास ही नहीं छोड़ते हैं, तो यशपाल आर्य ने पहली बार ये ऐसा हुआ है कि तीसरे दिन ही आवास को खाली कराया जा रहा है और फिलहाल उनके वहां से सभी सामान को शिफ्ट कर दिया गया है। जो राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारी थे वह वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहां जाकर राज्य संपत्ति विभाग का जितना भी सामान था, जो भी सरकारी सामान था, उसको देखा है, उसकी लिस्ट बनाई है, उसके बाद उनके निजी सामान को वहां से शिफ्ट कराया जा रहा है। बिल्कुल, तो उनके निजी सामान को शिफ्ट करवाया जा रहा है। क्या इससे पहले उनको कोई नोटिस दिया गया था या फिर ये त्वरित कार्रवाई हुई है अचानक पहुंच के, इसके बारे में क्या यशपाल आर्य को बताया गया था? देखिए, क्योंकि दो दिन पहले ही उन्होंने भाजपा छोड़ी थी और नोटिस देने का जो पीरियड है वो एक हफ्ते के अंदर होता है, एक हफ्ते के अंदर नोटिस पीरियड उनको दिया जाता है। लेकिन यशपाल आर्य ने पहले ही अपने सामान को शिफ्ट करा लिया है और इसमें संपत्ति विभाग द्वारा कोई भी नोटिस अभी यशपाल आर्य को नहीं दिया गया था। उन्होंने नोटिस से पहले ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और अपने स्वतः ही उन्होंने कहा कि उनके आवास को खाली कराया जाए और राज्य संपत्ति विभाग की ओर को उन्होंने ही बताया, अवगत कराया था कि वो अपना आवास खाली कराना चाह रहे हैं। तो इसी के बाद उन राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों ने अपनी देखरेख में खाली। जी हाँ, बिल्कुल, तो यशपाल आर्य खुद ही अपना घर खाली कर रहे हैं। वो सरकारी आवास जो कि मंत्री रहते हुए भाजपा सरकार में उन्हें मिला था और अब वो अपने निजी आवास में अपने निजी सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पंकज। तो यशपाल आर्य की घर वापसी से कांग्रेस